ठीक है ठीक है, डन। माइक लो कर। रोल सर, आर्ट्स एंड कल्चर में जिसे कि आप सेकेंडरी है, बहुत ही बेहतरीन कर लिया है, एंड ये आइडिया आया कहाँ से सर, और आपने इसको इतनी जल्दी ये कैसे एक्सेप्ट किया? जी अभी लेफ्टन को वाला डायरेक्टर आर्ट को बताया, और यहाँ पर टूरिस्ट भी आए और लोकल जो टैलेंट है उसको, तो उस दिशा में एक कला के सेंटर होगा वेरियस आर्ट में, तो उसका एक पहला स्टेप है एक आर्ट गैलरी, और जैसा आपने देखा होगा कंपनी एक्सपर्ट कि कितना टैलेंट है यहाँ पर, इवन आई एम एस्टोनिश्ड, सो वी होप टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड दिस विल ऑल्सो बिकम अ स्टूडियो, स्टूडियो होगा जहाँ पे आर्टिस्ट काम करेंगे, और दूसरा एक स्कूल होगा बच्चों के लिए आर्ट स्कूल, तो आई होप आई एम हैप्पी टू सर एप्रिशिएटेड बाय ऑल द पीपल एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। सो व्हाट डू यू थिंक सर, इससे आने वाले फ्यूचर में जो नए कलाकार हैं तो उनको किस तरह से उनको बेनिफिट मिलेगा? देखिए एक तो जो एक ये प्लेटफॉर्म मिल गया है कला केंद्र के नाम से, और इसमें आर्ट गैलरी है जहाँ पर जो अपने क्रिएशन है उसको दिस विल बी ऑन सेल, जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट लेकिन बाई कर फॉर्म है। सेकेंडली एक ये स्टूडियो होगा जहाँ पे आर्टिस्ट बैठकर अपना काम करेंगे, और जो यंग जनरेशन है जो यंग आर्टिस्ट है बिल्डिंग आर्टिस्ट है उनको यहाँ पर सीखेंगे, तो दिस विल बी अ परमानेंट, या दिस इज अ परमानेंट लोकेशन फॉर आर्ट। एंड सिमिलरली नाउ वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू फॉर डांस एंड ऑल्सो व्हाट इज द करंट स्टेटस, दैट इज पार्ट ऑफ कला के अंदर, इसकी हम लोकेशन अभी डिसाइड कर रहे हैं।